तो आप क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलमंड का ही, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें मैं सिर्फ ऑलमंड ही ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट में। जो फ्लेम है मेरे पास, मैं उसको मीडियम कर दूंगी। और ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक मैं और इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो पका लूँगी। 3 मिनट मैंने और पका लिया है। ये देखिए, अभी थिक हो चुकी है अच्छे से। ये देखें, ये साइड स्टैन की, इसमें जो है वो गुड़ अब चिपकना शुरू हो गया, यानी कि डन हो गया जनाब। तो अब मैं, क्योंकि ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा, तो अब मैं फ्लेम कर दूँगी बर्न। और 5 मिनट तक इसे पैन में ही रख के इस तरह हिला कर, ताकि ज़रा ठंडा हो जाए जल्दी। मैं इसको जो होगा एक पैन बॉल में निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो एक बॉल में निकाल लिया है, ऊपर से आप अगर ऑलमंड के क्रश करके थोड़े से डाल दें इसके चंक्स, तो मैंने वो भी डाल दिए जनाब। अच्छा जी, ये हो गई है जी हरे शहतूत की चटनी रेडी। इसको इन्जॉय कीजिए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, क्लीन पेपर लगा दें और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये हफ्ता हफ्ता आराम से चल जाएगा।